नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ विद डॉक्टर अंशु और मैं हूं डॉक्टर विकास तोमर। आज हम बात करेंगे पुरुष संतानहीनता या मेल इनफर्टिलिटी पर। मेल इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण है ओलिगोस्पर्मिया। ये बड़ा ही नहीं, एक बहुत आम कारण आज की तारीख में बन गया है। बहुत अधिक युवाओं में, पुरुषों में इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। ओलिगोस्पर्मिया मतलब नॉर्मल संख्या से शुक्राणुओं का कम होना। नॉर्मल संख्या का क्या मतलब है? नॉर्मल संख्या का मतलब है कि 1 ml, 1 ml सीरम में, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के 1 ml सीरम में लगभग 1.5 करोड़ से 4 करोड़ शुक्राणु पाए जाते हैं। अगर शुक्राणुओं की संख्या 1.5 करोड़ से कम है 1 ml सीमन में या वीर्य में, तो इसको हम शुक्राणुओं की कमी या ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं और ये पुरुष संतानहीनता, मेल इनफर्टिलिटी का एक सबसे बड़ा कारण आज की तारीख में है। अब बात आती है कि शुक्राणुओं की कमी किस किस कारण से हो सकती है। नंबर एक तो यदि कोई बीमारी है आपको, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, वायरल बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन है, उसकी वजह से आपको शुक्राणुओं की कमी हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है वेरिकोसील। वेरिकोसील एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्क्रोटम और टेस्टिस में स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है। स्वेलिंग और रेडनेस आने की वजह से वहाँ का तापमान बढ़ जाता है और तापमान बढ़ जाने की वजह से शुक्राणुओं का प्रोडक्शन कम हो जाता है और इसके अलावा शुक्राणु डेड भी होने लगते हैं। तीसरा कारण हो सकता है हार्मोन का असंतुलन होना। पुरुष हार्मोन जो कि नॉर्मल शुक्राणुओं के बनने के लिए उत्तरदायी होते हैं, उनका कमी आ जाना, उनमें असंतुलन हो जाना, उसकी वजह से भी शुक्राणुओं की कमी हो सकती है। इसके अलावा शुक्राणु वाहिनी यानी कि स्पर्मेटिक डक्ट जो होती है, उसमें अगर कोई ब्लॉकेज है या कोई और समस्या है, उसमें सूजन आ गई, तो उसकी वजह से भी इस तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। लेकिन बल्कि अक्सर ये देखने को आता है कि पुरुष अदरवाइज हेल्दी है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फिर भी उसके अंदर शुक्राणुओं की भारी कमी है। इसको बोलते हैं हम इडियोपैथिक ओलिगोस्पर्मिया, यानी कि बिना कारण के ही शुक्राणुओं की कमी होना। अब बात आती है कि इसका इलाज क्या है। देखिए, इलाज के बारे में अगर बात करें तो होम्योपैथिक दवाइयाँ इसमें बहुत ज़्यादा असरदार हैं और हम रोज ही बहुत सारे मरीजों को ऐसे को ट्रीट कर रहे हैं जिनकी शुक्राणुहीनता बहुत जल्दी 2 महीने में 3 महीने में 4 महीने में ठीक हो जाती है। अब इसका मैनेजमेंट किस तरह किया जाए? मैनेजमेंट का तरीका ये है कि अगर किसी को कोई समस्या है, जैसे वेरिकोसील है, कोई इन्फेक्शन है, तो वो उसका ट्रीटमेंट पहले उसी हिसाब से किया जाएगा। वेरिकोसील ठीक किया जाए, उसका इन्फेक्शन ठीक किया जाए। हार्मोनल इम्बेलेंस है तो उसके रूट को देखा जाए कि हार्मोन इम्बेलेंस किस वजह से है, उसको ठीक करने की दवाई दी जाए। लेकिन फिर भी अगर इसके बावजूद भी शुक्राणुओं की कमी आ रही है तो उसमें क्या किया जाए, उसके लिए मैं कुछ होम्योपैथी की टॉप 4 या 5 दवाई आपको बता रहा हूँ। लिखिए, नंबर एक दवाई है एक्सरे। एक्सरे मेडिसिन 30 potency में हम यूज करते हैं, वो भी उन मेल्स में जिनकी सेक्सुअल डिजायर बहुत कम हो गई है। एक्सरे एक बेहद शानदार होम्योपैथिक दवाई है शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए। दूसरी दवाई है एग्नेस कैस्टस। एग्नेस कैस्टस हम उन केसेस में देते हैं जिनमें फिजिकल और मेंटल वीकनेस, थकान पेशेंट को बहुत ज़्यादा रहती है, उसमें एग्नेस कैस्टस बहुत अच्छा काम करती है। एग्नेस कैस्टस को मदर टिंचर या 30 किसी भी पोटेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कोनियम मैक्यूलेटम। कोनियम मैक्यूलेटम को 30 CH पोटेंसी में यूज करना है। ये उन कंडीशन में दी जाती है जहाँ टेस्टिकल्स में, पुरुषों के टेस्टिकल्स में किसी तरह की कोई परेशानी आती है। इसके अलावा एक बहुत कॉमन और बहुत अच्छी मेडिसिन है एसिड फॉस मदर टिंचर। ये एक मेल सेक्शुअल सिस्टम के लिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए एक बूस्टर और एक टॉनिक की तरह भी है। ये मदर टिंचर में लिया जाता है जिसकी 8 या 10 बूंद पानी में डाल के सुबह शाम 2 बार हमको लेनी होती है। तो दोस्तों, ये आपको जानकारी कैसे लगी प्लीज़ लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट homeyourblessings.com पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर हमारा व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू हमसे व्हाट्सएप से भी बात कर सकते हैं। पुरुष रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर ओलिगोस्पर्मिया, इस संबंध में अगर आप कोई और जानकारी चाहिए तो हमें मेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर कमेंट करें। धन्यवाद।